हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू शिक्षा। सो गाइस, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 32 फॉर एमसीक्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड अगेन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जितना हो सके वीडियो में साथ साथ कर लें चीज़ों को, ठीक है। उसको बाद में रिवाइज या वो सब का अब टाइम नहीं है, अब तो जो होगा वो फाइनल होगा। ओके, पीडीएफ फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूपीएससी ईपीएफओ कोड यूज़ कर सकते हो फॉर 50% ऑफ। लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और आजकल ना इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत आने लगे हैं, ठीक है। एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू माउंट बैटन दैट ही। तो देखो, गांधी जी तो पार्टीशन के हमेशा से खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। तो उन्होंने माउंटबेटन को क्या बोला कि भाई पार्टीशन करने की जगह ऑप्शन ए, देश को आज़ादी देना पोस्टपोन कर दे, दूसरा जिन्ना को बुला लो सरकार बनाने के लिए, तीसरा नेहरू और जिन्ना दोनों को बुलाओ कि दोनों इकट्ठे सरकार बनाएं, या फिर आर्मी को बोल दो कि भैया आर्मी रूल करेगी। तो यहाँ पर क्या आंसर था, देखो जी, तो गांधी जी नेहरू कांग्रेस के लीडर रह चुके थे और कांग्रेस पे ही उनका थोड़ा बहुत दबका चलता था, तो उन्होंने माउंटबेटन को बोला कि यार आप ऐसा करो, क्योंकि जिन्ना जिद पे अड़े हुए थे ना, उनको जिन्ना का एम्बिशन पता चल गया था कि भाई पार्टीशन वार्टीशन कुछ नहीं है, अल्टीमेटली सारा जो स्ट्रगल है वो पावर स्ट्रगल था कि भाई पावर चाहिए। एक तरफ कांग्रेस के लोग अड़े हुए थे कि यार हमको पावर चाहिए। अब देखो ऐसा हो गया ना कि कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे थे कि हमें 1885 से लेके अब तक हम लगे हुए हैं, आज़ादी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। बाकी सब जो लीडर थे बड़े बड़े कांग्रेस के, वो बोलने लगे इतनी इतनी बार हम जेल में जा करके आ चुके, अब सरकार लेने का समय आया, सत्ता लेने का समय आया, राज करने का समय आया। तो बापू कह रहे हैं कि किसको क्या कर दो, जिन्ना को दे दो सरकार बनाने के लिए, कि पार्टीशन रुक जाना चाहिए, भले ही जिन्ना को जो है तुम सरकार दे दो, प्रधानमंत्री बना दो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर गांधी जी का सजेशन यही था कि जिन्ना को आप बुला लो सरकार बनाने के लिए, लेकिन पार्टीशन को रोक दो। सेकंड क्वेश्चन, द नेटिव स्टेट ऑफ त्रिपुरा बिकेम इन्वॉल्व्ड इन द फ्रीडम मूवमेंट अर्ली इन द 20th सेंचुरी बिकॉज। त्रिपुरा बेसिकली एक प्रिंसली स्टेट था और ये फ्रीडम मूवमेंट में 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जुड़ गया था। उसके पीछे रीजन क्या था, नंबर एक जो त्रिपुरा के किंग थे वो हमेशा एंटी ब्रिटिश थे, नंबर दो बंगाल के रेवोल्यूशनरीज हमेशा त्रिपुरा में शेल्टर लेते थे, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आ रहा था। जो ट्राइब्स थे त्रिपुरा के वो फ्रीडम लविंग थे। चौथा, देयर वर ऑलरेडी सम ग्रुप्स फाइटिंग अगेंस्ट द किंगशिप एंड इट्स प्रोटेक्टर द ब्रिटिश। राजा जो था किंगशिप के खिलाफ वहां पर लोग ऑलरेडी लड़ रहे थे, और क्योंकि ब्रिटिश प्रोटेक्शन थी तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी हो गए। आंसर यहाँ पर होगा डी, ठीक है, देवर अगेंस्ट द किंगशिप, किंग कभी भी एंटी ब्रिटिश नहीं था त्रिपुरा का। थर्ड क्वेश्चन, प्रेसिडेंशियल एड्रेस देते हुए कौन से ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बोला कि रोमन स्क्रिप्ट को हिंदी लैंग्वेज के अंदर लेकर के आया जाए, रोमन स्क्रिप्ट को हिंदी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया जाए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, या फिर सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी। तो बेसिकली देखो हुआ क्या था, बोस जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे 1938 के हरिपुरा सेशन में, और जब वो इस सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे तो बोस ने बोला कि आप ना एक तो हिंदुस्तानी का देश के अंदर यूज होना चाहिए जो हिंदी और उर्दू का मिक्स्ड है, और इसको रोमन स्क्रिप्ट के अंदर लेकर के आओ। रोमन स्क्रिप्ट जो है सुभाष चंद्र बोस क्यों बोल रहे थे, वो कहते कि इससे पता है क्या होगा, इससे जो मासीज है ना हमारे देश के, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है लर्न करना वो इजी हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए वो रोमन स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन चाहते थे, ठीक है। सो सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ क्वेश्चन, द बल्कान प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। बल्कान प्लान, ये बेटा लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान था, ठीक है, और बेसिकली मार्च और मई 1947 के बीच में माउंटबेटन ने ये डिसाइड किया कि जी देखो कैबिनेट मिशन जो प्लान है ये तो मुमकिन हो नहीं पाएगा देश के अंदर इम्प्लीमेंट करना। तो माउंटबेटन कहते हैं कि चलो एक हम अल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं। अब इस प्लान में उन्होंने क्या बोला, माउंटबेटन ने इस प्लान में बोला कि जो पावर है ना वो हम अलग अलग प्रोविंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, या कुछ प्रोविंसेस अगर एक साथ मिल करके काम करना चाहती हैं तो हम उनकी कन्फेडरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और पंजाब और बंगाल को हम ऑप्शन दे देते हैं,
कि वो अपने प्रोविंसेस का पार्टीशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मेनली मुद्दा पार्टीशन का जो था वो पंजाब और बंगाल का ही था ना, तो पंजाब और बंगाल को हम पावर दे देते हैं कि वो डिसाइड करें कि पार्टीशन उनको चाहिए या नहीं चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम हर प्रोविंस को, हर प्रिंसली स्टेट को पावर दे रहे थे कि जब ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा तो वो या तो हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या इंडिपेंडेंट रह लें। और अल्टीमेटली इसीलिए इसको बैल्कनाइजेशन का प्लान बनाया गया, कि बोला गया क्योंकि ये इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देता अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता। ये प्लान सुनते ही नेहरू इतना गुस्सा हो गए थे माउंटबेटन से, बोले कि भैया अगर ये सब प्लान तुमने इंप्लीमेंट करना है तो भाग लो यहाँ से, ठीक है। तो ये प्लान जो था पूरे तरीके से अगर इंप्लीमेंट हो जाता तो इंडिया को तोड़ देता ये, और लॉर्ड माउंटबेटन का ये प्लान था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स प्रपोज्ड टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ 1920। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब देखो पूर्ण स्वराज की बातें, वैसे हम बोलते हैं कि पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हुआ वो 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जब आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे लाहौर के अंदर सेशन हुआ था, ठीक है। मेनली अपन उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले 1920 के अंदर एक प्रपोजल आया था अहमदाबाद के सेशन के अंदर, ठीक है, 1921 के अंदर, 1921 के अंदर ये आया था कि भैया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल आया था कि कांग्रेस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो कौन था ये लीडर जो ये लेकर के आया था? एंड द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी जी ने 1921 में अहमदाबाद के सेशन में बोला था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन लेकर के आओ पूर्ण स्वराज, ओके। और इसमें इनके सपोर्टर थे स्वामी कुमरानंद, जो इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। अहमदाबाद सेशन हुआ था आईएनसी का 1921 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच इस्टेब्लिश हुई थी 1908 में, और ये किसकी प्रेसिडेंसी के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, किसके अंडर? सईद अमीर अली। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 कौन था? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। देखो जी, पहला सेशन हुआ था 1927 में, और 1935 से लेकर 1947 तक अराउंड 12-13 साल तक नेहरू जी ही प्रेसिडेंट रहे थे। तो 39 पूछ ले, 36 पूछ ले, 37 पूछ ले, हर का जो है नेहरू आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया से रिलेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट प्लस स्वदेशी, ऑप्शन ए लियाकत हुसैन लेट द मुस्लिम पेजेंट्स ऑफ बरिसल इन देयर एजुटेशन, दूसरा 1889 द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। ईयर देखना पड़ेगा कि ठीक है या नहीं, नेशनल एजुकेशन का एजेंडा देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा हुआ था या नहीं, या सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम देखना पड़ेगा। बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में विद अरबिंदो एज प्रिंसिपल, टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ विच वॉज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ विलेजेस, सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ विलेजेस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट एंड स्वदेशी की एनकरेजमेंट से रिलेटेड? तो देखो बी सी और डी पॉइंट्स आपके ठीक हैं, ए पॉइंट आपका गलत है क्योंकि अपने से नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सतीश चंद्र मुखर्जी, इनकी एक सोसाइटी थी जिसको डॉन सोसाइटी बोला जाता था, और उसके थ्रू इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को एनकरेज किया था कि इंडिजिनस कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। बंगाल नेशनल कॉलेज, दिस वाज इंस्पायर्ड बाय टैगोर शांति निकेतन। कई बार ये भी कॉलेज क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल नेशनल कॉलेज वॉज इंस्पायर्ड बाय, वो भी पता होना चाहिए। तो इसको सेटअप किया गया था अरबिंदो घोष इसके जो थे प्रिंसिपल थे। उसके बाद आत्मशक्ति, सारथी, बिजौली, ये सब जो थे जर्नल्स थे जिनको पब्लिश किया जाता था, और बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा जो सेल्फ सेक्रीफाइस था रेवोल्यूशनरीज का उसको हाईलाइट करते थे। अश्विनी कुमार दत्त थे जो स्कूल टीचर थे, और इन्होंने स्वदेश बंधव समिति बनाई थी जो स्वदेशी मूवमेंट का आइडिया प्रोपोगेट करते थे, और मुस्लिम पेजेंट्स को जिन्होंने लीड किया था बरिसल में। तो यहाँ पर बरिसल में आपका जो लियाकत हुसैन है इसीलिए वो गलत हो जाता है, अश्विनी कुमार दत्त यहाँ पर आना था। नाइन्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेन नॉट करेक्ट? हकीम अजमल खान वॉज वन ऑफ द लीडर्स टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अहरर मूवमेंट, ठीक है। दूसरा, व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म सैयद अहमद खान अपोज्ड इट। तीसरा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906, वेहमेंटली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। डी,
Maulana Barkatullah and Maulana Obidullah Sindhi were among those who formed a provincial government of India in Kabul. तो देखो इसके अंदर किसी ने भी अगर हिस्ट्री को थोड़ा बहुत भी पढ़ा इजीली आंसर कर सकता है. सी जो है वो नॉट करेक्ट है क्योंकि मुस्लिम लीग तो फॉर्मेशन ही अल्टीमेटली जो थी वो बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट करने के लिए हुई थी. क्योंकि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हुए मुस्लिम्स को ये बोला था कि ये जो हम बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं ना भैया, ये तुम लोगों के अच्छे के लिए कर रहे हैं. ठीक है, उनको ये बोला गया था. ऑलराइट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के भी वो कभी अगेंस्ट नहीं थे, ना ही कभी भी बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट, दे ऑलवेज सपोर्टेड. तो सी गलत है और इसीलिए आंसर भी सी है. बाकी के स्टेटमेंट्स, हकीम अजमल खान जो थे अरहर मूवमेंट के लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी तो सैयद अहमद खान ने पुरजोर इसका जो है विरोध किया था. मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी जो थे, इन्होंने भारत की जो है प्रोविंशियल सरकार काबुल में बनाई थी क्योंकि वो यूएसएसआर के कंट्रोल के अंदर काफी ज्यादा रहता था. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाए खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर. अच्छा जी, खुदाई खिदमतकार्स कॉल्ड फॉर ऑप्शन ए यूनियन ऑफ पख्तून ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट विद अफगानिस्तान, एडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स एंड मेथड्स ऑफ टेररिजिंग. अच्छा, एडॉप्शन ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आइडियोलॉजी फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. देखो पहली बात तो ये टेररिस्ट टैक्टिक्स वाला तो कम्प्लीटली गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन वायलेंट मूवमेंट होती थी है. ठीक है, जो खुदाई खिदमतगार थे वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल के अंदर बिलीव करते थे, गांधी जी के आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करते थे, तो टेररिस्ट टैक्टिक्स वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता. जो इनका मेन जो वो था कि पठान जो रीजनल नेशनलिस्ट हैं उनकी यूनिटी को एनकरेज करे और स्ट्रगल को प्रमोट करे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट. ओके, सो खान अब्दुल गफर खान ये एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्मर थे पठान्स के अमंग, एंड गफर खान को बादशाह खान भी बोला जाता था या फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था. और इन्होंने फर्स्ट पुश्तो पॉलिटिकल मंथली जिसका नाम था पख्तून उसका भी शुरू किया था. और इन्होंने एक वॉलेंटियर्स का ब्रिगेड तैयार किया जिसको खुदाई खिदमतगार्स या रेड शर्ट्स बोला जाता था, जो फ्रीडम स्ट्रगल को नॉन वायलेंट मीन्स के थ्रू एनकरेज करते थे. तो टेररिस्ट अटैक्स वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पर. 11th क्वेश्चन, लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ, तो लास्ट में आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो आंसर सी होगा. कैबिनेट मिशन को मैं टाइम एंड अगेन डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ. लीडर ऑफ बरदोली सत्याग्रह वॉज, इनमें से कौन बरदोली सत्याग्रह के लीडर थे, आंसर है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो बरदोली सत्याग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें. 1926 के जनवरी महीने के अंदर ये सत्याग्रह जो है एक तरीके से शुरू हुआ. हुआ क्या, जो सरकार थी उन्होंने ना लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया सीधा 30% से. कांग्रेस लीडर्स जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बड़े शांत से बैठे थे, उनको भी यहाँ पर एक मौका दिखा कि चलो कुछ प्रोटेस्ट करते हैं. और उन्होंने, कांग्रेस ने अपनी एक बरदोली इंक्वायरी कमेटी बनाई इस इशू में देखने के लिए. और ये कमेटी ने जो है रिजल्ट इसका निकला कि रेवेन्यू जो बढ़ाया गया है वो अनजस्टिफाइड है. फिर फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने वहां पर भेजा कि जाओ मूवमेंट को लीड करो. ठीक है, और इसी सत्याग्रह के अंदर जो महिलाएं थी बरदोली सत्याग्रह में जो पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने ही फिर फाइनली वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का टाइटल लगता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग बोलते हैं ना, तो जो सरदार का टाइटल है वल्लभ भाई पटेल का, वो इसी सत्याग्रह के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं ने उनको दिया था. तो इस सत्याग्रह के अंदर पटेल की लीडरशिप में जो पेजेंट्स हैं उन्होंने ये अडॉप्ट किया कि वो पेमेंट नहीं करेंगे, रेवेन्यू पेमेंट नहीं करेंगे, उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. ठीक है, जब तक सरकार एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल ना बनाए और वो डिसीजन पे ना आए किसी. अब मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पटेल ने कुछ 13 छावनी बनाई या वर्कर कैंप्स जिनको बोला जाता है बरदोली तालुका में, एंड एक बरदोली सत्याग्रह पत्रिका को भी निकाला जाना शुरू किया ताकि पब्लिक ओपिनियन बनाया जा सके. एक इंटेलिजेंस विंग भी यहां पर पटेल ने सेटअप किया ये देखने के लिए कि कोई भी जो है वो रेंट या टैक्स ना पे कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली विद्रोह तो यही था ना कि हम पेमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी. तो एक इंटेलिजेंस विंग बनाया गया कि कोई भी पेमेंट ना कर दे, और कोई अगर मूवमेंट को अपोज करता था हिंदुस्तानी या फार्मर या टेनेंट तो उसका सोशल बॉयकॉट करने का यहाँ पर जो है सिस्टम बनाया गया. वुमेन मोबिलाइजेशन के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पर डाला गया था.
इसी बर्दोली सत्याग्रह को सपोर्ट करते हुए उस समय के एम मुंशी और लालजी नारायण जी ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन भी किया। अगस्त 1928 तक काफ़ी टेंशन जो है वो बिल्डअप हो चुकी थी और सरकार को अब ऐसा लगने लगा था कि रेलवे की स्ट्राइक ना हो जाए बॉम्बे में। और गांधी जी भी बरदोली पहुंच गए अगस्त तक कि भाई इमरजेंसी में अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं वहां पर हेल्प कर सकूं। सरकार को लगा कि यार अब बेइज्जत हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसी तरीके से इज्जत वाला मुँह लेकर के इस मसले को सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक प्रॉपर ट्रिब्यूनल बनाएंगे, लेकिन आप पहले जो एनहेंस्ड रेंट है ठीक है वो पे कर दें, जो भी टेनेंट्स हैं वो रेंट पे कर दें। बट किसी ने भी पे नहीं किया। अल्टीमेटली फिर एक कमिटी बनाई गई पूरे मैटर को देखने के लिए, और उस कमिटी ने भी ये देखा कि जो रेंट हाइक है वो काफ़ी अनजस्टिफाइड है, और 30% की जगह उसने सिर्फ 6.03% का जो रेंट हाइक है उसको रिकमेंड किया। तो एक तरीके से बरदौली सत्याग्रह के अंदर इस तरीके से भारतीय स्ट्रगल की जो है वो जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अगेन। द रॉयलेट एक्ट अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। थर्ड, भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। डी, 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज द गांधी इरविन पैक्ट। नहीं भैया ये बिल्कुल गलत है डी, क्योंकि कराची सेशन के अंदर तो गांधी इरविन पैक्ट को सपोर्ट मिला था, तभी तो फिर कांग्रेस ने नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। नेम ऑफ द फेमस पर्सन ऑफ इंडिया हु रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ प्रोटेस्ट फॉर एट्रोसिटीज इन पंजाब इन 1919। 1919 की पंजाब एट्रोसिटीज को देखते हुए नाइटहुड अपना वापस कर दिया। ही वॉज ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो दीज वर द क्विक 14 क्वेश्चंस गाइस। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड कीप स्टडिंग हार्ड गाइस। लास्ट का एक हफ्ता बचा है, जान लगा दो। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय।